So welcome friends, we are dealing with the important topics for ESC 2018 for both prelims and mains. We have dealt with control system and network analysis and synthesis in our previous video. If you have not checked that video, please do check that before coming to this video. Now we will be coming to analog communications. Analog communications ke four videos I have already made. At least I think 8 or 10 months back, but very few people out of you have seen those videos. Ye char videos mein I have covered almost 70% of analog communication. So if you have not watched that video, please watch these 4 videos. Jyada bade nahi hain, 12 to 13 minutes ke hain, 4 videos. Jisme 60 se 70% analog communications cover ho gayi hai. Isko padhne ke baad the book I will like you to refer is BP Lathi. उसी से मैंने ये वीडियोस बनाए हैं. इनको देखने के बाद जब आप पढ़ेंगे बुक, तो योर जॉब विल बी मच मच इजियर. यू विल फील वेरी कंफर्टेबल आफ्टर वॉचिंग दीज 4 वीडियोस एंड देन रीडिंग द बुक. ठीक है, जल्दी आप उसको कवर कर लेंगे. सो नहीं पढ़ा है तो देख लीजिएगा वीडियो. सो ओके, एनी हाउ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. फर्स्ट इज सिग्नल ऑपरेशंस, जिसमें कि फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपने समझ लिया तो पूरी एनालॉग कम्युनिकेशन आपको समझ में आ जाएगी. से टाइम एक्सपेंशन, टाइम कंप्रेशन, ठीक है, बैंडविड्थ एक्सपेंशन, बैंडविड्थ कंप्रेशन, लीनियरिटी, नॉन लीनियरिटी, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म. तो ये सिग्नल ऑपरेशंस आप देख लीजिएगा, विच इज़ इंपॉर्टेंट बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. इट कैन बी आस्क्ड इन सिग्नल्स एंड सिस्टम्स ऑल्सो. ठीक है, एनालॉग कम्युनिकेशन में तो पूछा ही जा सकता है, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में भी पूछा जा सकता है. सो इट इज़ लाइक अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, यू हैव टू स्टडी इट एनी हाउ. देन कमिंग टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, डबल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, इसका डी मॉड्यूलेशन, देन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. ऑल दीज टॉपिक्स आई एम टेकिंग वन बाय वन फ्रॉम दिस बुक बीपी लाठी. आई एम टेलिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इट इज़ इंपॉर्टेंट बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. ठीक है, जिसमें आपको कंसेप्ट मिलेगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर प्लस मैसेज सिग्नल शुड बी ग्रेटर देन जीरो वाई. ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स वहाँ से डिराइव किया गया है, पीक ऑफ मैसेज सिग्नल डिवाइड बाई कैरियर एम्पलीट्यूड. मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू बताई गई है, अगर आपको एनवलप डिटेक्ट करना है सही से रिसीवर में तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू वन. आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, प्लीज चेक दैट. ओके, साइड बैंड एंड कैरियर पावर, ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, वेरी मच इंपॉर्टेंट. कोई भी मैसेज सिग्नल कोई भी आपको फंक्शन दे देगा, एम्पलीट्यूड, दिस इज एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, व्हाट इज द साइड बैंड एंड कैरियर पावर. ठीक है, सो कैरियर पावर विल बी ए स्क्वायर बाई टू एंड साइड बैंड पावर विल बी मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल. ठीक है, एम स्क्वायर टू बाई टू. देन व्हाट द स्पेशल केस ऑफ टोन मॉड्यूलेशन. टोन मॉड्यूलेशन कब होता है, व्हेन योर कैरियर इज ऑल्सो अ साइनोसॉइड. ठीक है, कैरियर भी जैसे कॉस ओमेगा सी टी का हो जाए. ठीक है, देन दैट इज द केस ऑफ टोन मॉड्यूलेशन. उसमें बेस्ट केस में एफिशिएंसी जो आती है वो 33% की ही अचीव कर सकते हैं. व्हाई इज इट सो, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट, प्लीज चेक दैट. दैट एनवेलप डिटेक्टर, इट इज़ इंपॉर्टेंट बेसिकली फॉर मेंस. एनवेलप डिटेक्टर का पूरा फंक्शन ही आपसे पूछ लेगा विद ब्लॉक डायग्राम एंड ऑल दोज थिंग्स इन 10 और 12 मार्क और 15 मार्क्स. ठीक है, देन कमिंग टू सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, इसमें हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है और डेरिवेशन, सिंगल साइड बैंड का फंक्शन का डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट बेसिकली फॉर मेन्स. एनवेलप डिटेक्शन ऑफ SSB सिग्नल विद अ कैरियर, इंपॉर्टेंट बेसिकली फॉर मेन्स. व्हाट इज वेस्टिजियल साइड बैंड, डबल साइड बैंड में दोनों तरफ साइड बैंड होते हैं, सिंगल साइड बैंड में एक साइड बैंड होता है, वेस्टिजियल साइड बैंड में इट इज़ अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन DSBSC एंड SSBSC. ठीक है, क्या होता है, प्लीज रीड दैट, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज. इट इज़ इंपॉर्टेंट बेसिकली फॉर मेन्स. इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, VSB इज़ यूज इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट. AM किस में यूज़ होता है, FM किस में यूज़ होता है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ FM ओवर AM. ठीक है, SSB ओवर DSB, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बुक में आपको मिल जाएगा पैराग्राफ फॉर्म में, ये प्री में आपसे पूछ सकता है. ठीक है, वाई FM इज़ प्रिफर्ड ओवर AM, वाई VSB इज़ यूज इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट. ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा. PLL फेज लॉक लूप, इट इज़ इंपॉर्टेंट बेसिकली फॉर मेन्स. कई बार आपसे पूरे ब्लॉक डायग्राम के बाद उसके साथ इसकी वर्किंग ही पूछ ली है, तो ये आएगा तो 10 या 15 मार्क्स में आ जाएगा. देन कमिंग टू एंगल मॉड्यूलेशन, ऑलरेडी कवर्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज़, इफ़ यू हैव नॉट सीन दोज वीडियोज़ प्लीज सी दैट.
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, ओके, इसकी वेव फॉर्म्स, राइटिंग फॉर्म्स, कैसे FM वेव का कैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं, PM वेव का कैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है, इनके एग्जांपल्स भी मैंने सॉल्व किए हुए हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर प्रिलिम्स एंड मेंस. देन बैंडविड्थ ऑफ एंगल मॉड्यूलेटेड वेव्स, ठीक है, पहले वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इसमें दिया हुआ है बैंडविड्थ, देन उसको नैरो बैंड में लाए हैं, देन उसका अप्रोक्सीमेशन लेते लेते कार्सन्स रूल तक पहुँचे हैं कि बैंडविड्थ ऑफ FM सिग्नल इज 2 डेल्टा एफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्लस 2B, ठीक है, वेयर बी इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल, देन डेरिवेशन रेशियो बीटा डेल्टा एफ बाई बी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको कोई भी ऐसे सिग्नल दे देगा जैसे 10 cos 1000 t प्लस cos 2000 पाई टी, ये ऐसे लिख देगा, उसको कह देगा कि ये FM वेव का एक एक्सप्रेशन है, इसमें डिविएशन रेशियो डिराइव कर दीजिए, बैंडविड्थ डिराइव कर दीजिए, ठीक है. तो ये सॉल्व एग्जांपल के साथ BP लाठी में दिया हुआ है, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा. ये क्वेश्चन आएगा तो 10 या 15 मार्क्स में सीधा सीधा आ जाएगा मेंस में, या प्री में भी आ सकता है. सॉल्व एग्जांपल है, आपको केवल देखना है. नहीं समझ में आता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा. देन फीचर्स ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन वेव. एंगल मॉड्यूलेशन वेव के ऊपर नॉन लीनियरिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए वो माइक्रोवेव रिले सिस्टम्स में यूज़ होती हैं. ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. प्री में आपसे रीज़न पूछ लेगा व्हाई इट इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव रिले सिस्टम, मेंस में आपसे डेरिवेशन हो सकता है करवा ले. देन डी मॉड्यूलेशन ऑफ FM वेव्स, इट इज़ इंपॉर्टेंट बोथ फॉर प्री एंड मेंस. देन व्हाट इज प्री एम्फेसिस, व्हाट इज डी एम्फेसिस, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा प्री में अगर आएगा तो. मेंस में आएगा तो इसका ब्लॉक डायग्राम के साथ इसकी वर्किंग पूछ लेगा व्हाई इट इज़ सो, ठीक है, इन FM वेव्स. ये प्री एम्फेसिस डी एम्फेसिस जो है ये भी मैंने कवर किया हुआ है, शायद मैंने वीडियोस बनाए थे जो 4 वीडियोस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा उसको. देन कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, सैम्पलिंग एंड पल्स कोड मॉड्यूलेशन. सैम्पलिंग थ्योरम, इट इज इंपॉर्टेंट बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2F, ठीक है. व्हाट इज इंटरपोलेशन फार्मूला. इंटरपोलेशन फार्मूला मैंने पहले ही बना रखा है, बता रखा है आपको मेरे वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, कि कैसे इंटरपोलेशन फार्मूला जो है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, टाइम डोमेन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, ये आप देख लीजिएगा. व्हाट इज एलियासिंग, ठीक है. व्हाट इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन. व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन. इट इज़ इंपॉर्टेंट बोथ फॉर प्री एंड मेंस. प्री में आपसे रीजन पूछ लेगा कि डिजिटल कम्युनिकेशन इज प्रिफर्ड ओवर एनालॉग कम्युनिकेशन बिकॉज 1, 2, 3, 4, 5 कर देगा. उसके बाद पूछ लेगा आउट ऑफ दीज 1 and 2 इज करेक्ट, 2 और 3 इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ठीक है, इस तरीके से. देन व्हाट इज क्वांटाइजिंग, व्हाट इज क्वांटाइजेशन एरर. सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो डिराइव होता है उसका फॉर्मूला है 3L² m² t की मीन वैल्यू अपॉन पीक का स्क्वायर. इसका डेरिवेशन आप देख लीजिएगा, बेसिकली फॉर मेंस. प्री में इससे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, प्री में इससे क्वेश्चन आ सकता है जैसे डायरेक्ट एक्सप्रेशन पे कि इन पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स एल, यस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैसेज सिग्नल स्क्वायर मीन वैल्यू ऑफ, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल, यस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीक वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल, यस. मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं. देन व्हाट इज कंपेंडर, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन. इंपॉर्टेंट बेसिकली फॉर मेंस, ठीक है. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इन PCM में क्या होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेस विद ट्रांसमिशन बैंडविड्थ. कैसे, इसका डेरिवेशन देख लीजिएगा. डेरिवेशन के लास्ट में जो एक्सप्रेशन निकलता है सिग्नल टू नॉइज रेशियो, मतलब उसका डेरिवेशन शुरू यहीं से होता है इस एक्सप्रेशन से, और लास्ट में ये एक्सप्रेशन जाके खत्म होता है अल्फा, वेयर अल्फा इज अ कॉन्स्टेंट प्लस 6N, N इज द नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है. तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो इन PCM इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद ट्रांसमिशन बैंडविड्थ. इससे देखिए आप, इस एक्सप्रेशन से अगर आप N को, नंबर ऑफ बिट्स को 1 से इंक्रीज कर दें, इफ इंक्रीजिंग N बाई 1, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो विल इंक्रीज बाई क्वाड्रपल हो जाएगा, मतलब 6 dB इंक्रीज हो जाएगा. मतलब सिग्नल टू नॉइज रेशियो अल्फा प्लस 6 हो जाएगा. इफ यू इंक्रीज N बाई 2 तो अल्फा प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है, इट विल इंक्रीज बाई 12. सो इंक्रीजिंग N बाई 1 क्वाड्रपल सिग्नल टू नॉइज रेशियो, 6 dB इंक्रीज. दैट इज वाई PCM इज प्रिफर्ड ओवर ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसमिशंस, ठीक है, AM, FM, PM,
या जो भी है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपसे प्री में डायरेक्टली पूछ लेगा या मेंस में डेरिवेशन के साथ पूछ लेगा, ठीक है। देन डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन, दीज आर इंपॉर्टेंट बेसिकली फॉर मेंस। मेंस में आएगा तो सीधे ब्लॉक डायग्राम के साथ पूरी वर्किंग आ जाएगी 10 या 15 मार्क्स में, और इन दोनों का कंपैरिजन देख लीजिएगा, व्हाट इज इट्स कंपैरिजन विद पल्स कोड मॉड्यूलेशन, उससे अच्छा क्या है, उससे खराब क्या है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अनलॉक कम्युनिकेशन। अगेन अनलॉक कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट 70% आई हैव कवर्ड इन माई 4 वीडियोज, प्लीज चेक दैम। जो जितने भी टॉपिक अभी मैंने आपको 10 मिनट में बताए हैं, उसके 70% टॉपिक आपको उन वीडियोज में मिल जाएंगे, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको कुछ नहीं करना है, प्लीज चेक दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आई विल बी डीलिंग विद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।